नमस्कार, मैं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। देश के लोगों में एक बड़ा कौतूहल चल रहा है कि अमित शाह जैसे हार्डलाइनर के गृह मंत्री बनने के बाद अनुच्छेद 370, 35A जैसे मुद्दों का क्या होगा। जिस दिन से नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह को देश का गृह मंत्री बनाया गया है, उस दिन से अनुच्छेद 370 और 35A का मुद्दा इन दिनों फिर से चर्चा में आ गया है। सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि इन मुद्दों पर देश के नए गृह मंत्री का एक्शन कैसा होगा, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को लेकर उनकी पॉलिसी कैसी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा के परंपरागत मतदाता भी चाहते हैं कि इन मुद्दों पर उनके द्वारा चुनी हुई सरकार जरूर काम करे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन मुद्दों पर बेहद कठोर रुख रखते हैं। वो प्रारंभ से ही कश्मीर और 370 और 35A जैसी धाराओं को समाप्त करने की लगातार बात करते हैं। ये अलग बात है कि केंद्र में अब तक 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई शुरुआत नहीं की जा सकी है। अब जबकि इन मुद्दों पर कठोर रुख रखने वाले अमित शाह भारत के गृह मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में उम्मीद बढ़ चुकी है कि वो इन बिंदुओं को खत्म करने की दिशा में काम कर सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फिलहाल अनुच्छेद 35A का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। इसके लिए किसी भी सरकार को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। कोर्ट का फैसला क्या आएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। अमित शाह ने बतौर देश का गृह मंत्री कार्यभार संभालने के बाद पहली बैठक जम्मू कश्मीर के मसले पर ही की, जहां देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ और आईबी चीफ, गृह सचिव भी मौजूद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की नई सरकार अनुच्छेद 370 और 35A जैसे विवादित मुद्दों पर अब आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। धन्यवाद।